Yes, done. So yes, guys, we'll start with our session today. Hmm. So yesterday we yeah, like Saturday we discussed about uh, SQC one. So we discussed four topics on Saturday. One was, <clears throat> up now, uh, qualities of auditor. Then we discussed uh, standard setting process, right? कि एस एस क्या होता है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग क्या है आई एस भी क्या है राइट एंड रिव्यू क्या होता है एस आर कब यूज होते हैं एस आर एस कब यूज होते हैं राइट एंड वी ऑल्सो सॉ अबाउट ऑडिटिंग एंड अदर डिसिप्लिन राइट सो अकाउंटिंग का और ऑडिटिंग का कैसे है वो इट इज इंपॉर्टेंट देन वी सॉ लॉ इकोनॉमिक्स बिहेवियल एंड statistical mathematics data processing hai na So so खत्म करेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है एंड चैप्टर वन का पार्ट है सो एसक्यूसी so वन में वी सॉ सिक्स एलिमेंट्स राइट लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विदिन फॉर्म रिक्वायरमेंट जिसमें इंडिपेंडेंस इज अम्पोर्टेंट टॉपिक एंड सेफ गार्ड्स कैसे थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस एंड सेफ गार्ड वी वेफेशनल स्केजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग एसकेसी वन इज एप्लीकेबल और फॉलोड बाई हुजर फॉर अ फॉर्म है ना विद इन फॉर्म आपको करना पड़ेगा टू इंश्योर कि यू डिलीवर क्वालिटी फिनाशियल स्टेटमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस वर्क ठीक है सो so, उसमें इंडिपेंडेंस हो गया अपना राइट right? अब हम प्रोफेशनल यू हैव एनी क्वेश्चन सो दिस थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस जो हमने देखे थे दिज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ इंटरेस्ट बोले तो मेरा कुछ इंटरेस्ट है मैंने गारंटी दी है लोन दिया है या मेरा एम्प्लॉयमेंट है उसमें फ्यूचर में कंपनी में मैं छोड़ के जा रहा हूं Self interest threat, so that is one self review threat. I am doing and I am only reviewing this. I have done accounting and I am doing accounting auditing also. So that is a self review threat. Advocacy job, Me. client's opinion promote. Kar that means I am from the client's side uh, uh, fighting their litigations. Then that is the advocacy threats. Familiarity threats. Jaan

राइट सो प्रोफेशनल क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट सो फेस वैल्यू पे नहीं लेना है सिंपल जो भी मुझे इंफॉर्मेशन आ, आ रही clients है क्लाइंट से जो भी फिनांशियुड नॉट टेक ऑन फेस वैल्यू आई शुड डू अटिकल असेसमेंट कि भाई ये सही है क्या ओरिजिनल है क्या दोल थिंग आई है सो प्रोफेशनल स्केप्टिज्मींग अलर्ट टू फॉर एक्साम्पल ऑडिट इविडेंस दैट कॉन्ट्रेडिक्स अदर ऑडिट इविडेंस जब आप जाते हो और आप रेवेन्यू चेक कर रहे हो ओके सो रेवेन्यू एंट्री क्या होता है अपना डेटर्स डेबिट टू रेवेन्यू है ना सो so, डेटास जब मैं रिकोगनाइज कर रहा हूँ तब रेवेन्यू भी रिकोगनाइज कर रहा हूँ राइट right? अब सपोज मैंने रेवेन्यू रिकोगनाइज किया क्लाइंट ने रेवेन्यू के टाइम पे भी आपको एविडेंसेस दिया डेटर्स के टाइम पे भी दिया सो यू नीड टू इंश्योर दैट जो ऑडिट एविडेंस है वो कॉन्ट्रा नहीं कर रहे सपोज रेवेन्यू के टाइम पे आपको एक एविडेंस दिया कंपनी ने ये लो सेल्स है ना ये लो आपका डिस्पैच uh, डॉक्यूमेंट कि गुड्स डिस्पैच हुआ है फिर आपने उसको पैसा पूछा तो उसने बोला अरे गुड्स डिस्पैच ही नहीं हुआ <coughs> ऐसा हो सकता है क्या नहीं होना चाहिए इट इज कॉन्ट्रेडिक्टिंग यहां पे आपको रेवेन्यू का चेक करते समय बोला कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन सही है मैं आपको इनवॉइस भी दे रहा हूँ डिस्पैच डॉक्यूमेंट भी दे रहा हूँ सो आई कुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन सही है अब पैसा क्यों नहीं मिला क्योंकि गुड्स नहीं पहुंचे

जस्ट कीप इन माइंड आपको पूछते प्रोफेशनल स्क्रिप्टिज्म क्या करना रहता है रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्स टू द इनवायरीज एज ऑडिट इविडेंस इफ यू आर गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन दट ब्रिंग्स इन टू क्वेश्चन द रिलाएबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्स टू द इंक्वायरीज सो आप सपोज कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है और आपने इक्वायरीज ली क्लाइंट के साथ या आपको कोई इविडेंसेस मिले कोई डॉक्यूमेंट मिले उसकी रिलायबिलिटी पे आपको इश्यू है तो क्लाइंट जैसे सिमिलर वे वे दीज आर द कि कि भी आप बीइंग अलर्ट बोले तो क्या है कि आपको ऐसे नहीं है कि आपको सिंह खड़े करके रखने हैं आपके है ना सो दैट इज वन थिंग बट यू नीड टू कीप दैट क्रिटिकल असेसमेंट कि भी मुझे एक जगह एविडेंस मिला या आपको एक जगह इन्फॉर्मेशन मिला आपने क्लाइंट के पास गए क्लाइंट ने बोला यार मेरा चाइना से बिजनेस खत्म हो गया फिर आपने रेवेन्यू देखा और बजट देख रहे हो आप इंपेयरमेंट गोइंग कंसर्न के लिए तब है ना उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है मेरा पीओ है तो अभी क्यों कम हुआ सो दैट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहे अलर्ट कंडीशन दैट में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉडन कंडीशन विच में इंडिकेट पॉसिबल फ्रॉड जैसे सपोज आपको है ना so <coughs> कंपनी uh, में आपको एक एक uh, अमाउंट जैसे सपोज काफी कंपनीज में रहता है टारगेट एक रहते हैं है ना सो टारगेट है सपोज so, आपका है ना 200 करोड़ सेल का टारगेट है और कंपनी इज रीचिंग अस 201 करोड़ ओके okay? 201 करोड़ तो ये क्या हुआ दैट मे की भी दे हैव जस्ट पुश द सेल या सेल नहीं है इनवॉइसज फाड़ दिए ऐसा कुछ तो नहीं हुआ एंड दैट इज आल्सो फ्रॉड ना कि कंपनी को ये लगा के दे आर डूइंग कि डूंग जो बोनस लेना है जो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ रिपोर्टिंग है सो दिस इज अप्रोप्रिएशन ऑफ रिपोर्टिंग बट दैट लीड्स टू ऑल्सो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश जब हम फ्रॉड देखेंगे ना तब हम समझेंगे कि मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है फ्रॉड इज बेसिकली मिसअप्रोप्रिएशन की कंपनी का रिपोर्टिंग गलत किया विथ इंटेंट इंटेंशन से किया है ना दैट्स वट फ्रॉड एरर से हुआ तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग

So, उसके बाद थर्टी फर्स्ट मार्च को स्टॉक काउंट्स होते हैं काफी एंटिटी के क्योंकि ईयर एंड वो रहता है सो so, ऑडिटर को हम ऐसे में देखेंगे कि ऑडिटर को है ना स्टॉक काउंट कंपलसरी है क्या yes, यस कंपलसरी है ना सो so, स्टॉक काउंट हम करने जा रहे हैं और एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री देखना है यहाँ पे लॉकडाउन है वट शुड वी डू यस ऐसे क्या बोल रहे हैं इफ यू आर डूंगेट में आप कर रहे हो तो रोल फॉरवर्ड रोलो थे थर्टी फर्थ अप्रिल को है और प्लस माइनस किया उल्टा तो थर्टी फर्स्ट मार्च को इन्वेंट्री मैच हो रहा है सो दिससेस सपोज वो भी नहीं हो रहा है बिकॉज सर्कमस्टेंसेज ऐसा है लिस्टेड कंपनी

अलर्ट और डू दैट सर्कमस्टेंसेज आपके है उसकी वजह से क्या आपको एडिशनल प्रोसीजर करनी इवन एस एस एज में स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग में वो प्रोसीजर्स नहीं बोली है, है so स्टॉक काउंट किया दैट वॉज वन वे एंड आईसीआई ऑल्सो रिकमेंडेड ने भी एक गाइडेंस नोट इश्यू किया था कोविड के लिए एंड उसमें से फिर पीपल है ना बी ऑलरेडी सॉप स्कोप ऑफ एंगेजमेंट में प्रोनाउंसमेंट ऑफ द आईसीआई वो भी कंसिडर करना है सो बींग अलर्ट कॉन्ट्रेडिक्ट तो नहीं कर रहे इफ यूर गॉट द इन्फॉर्मेशन इट इज नॉट जो हमको डिसकनेक्ट बेसिकली यू कैन से डिस्कनेक्ट बिटवीन द इनफॉर्मेशन एंड दो इविडेंसेस क्वेश्चन uh, so आता है तो ये चार चीजें होती है तब आपको प्रोफेशनल सो एनी वे दे कैन सो दे कैन गिव यू क्वेश्चन की ऑडिट <coughs> इविडेंस है ये कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं सो एज ऑडिटर वट ऑडिट प्रोसीजर यू शुड परफॉर्म या करेक्ट इन करेक्ट में भी क्वेश्चन भी आए थे कि गिवन ऑडिट प्रोसीजर बोला कि पे प्रोफेशनल स्क्रिप्टिज्म है क्या कि या क्लाइंट ने लगा ऑडिटर ने लगाना पैया थाजम है ना? So आपको बोलेंगे दो है दो नॉट मैचिंग व्हाट ऑडिटर शुड डू सो क्रिटिकल दैट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ठीक है ऑडिट इज द ऑडिटर इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ overlooking of unusual circumstances over generalizing when drawing conclusion from audit observation and using inappropriate assumption in determining nature timing extent of audit procedure and evaluating the area. so basically wo kya bol raha hai ab audit procedure kar rahe ho ab professional skepticism maintain kar rahe ho right so aap kya kar rahe ho ek to throughout the auditor है ना so, ये आपको ध्यान में रखना है this should be maintained throughout the audit ऑडिट ऐसा नहीं कि planning में कर लिया उसके बाद नहीं evidence check कर रहे तभी करना है सो दैट हैज टू बी मेंटेन थ्रू आउट द ऑडिट वाई क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन कब मिलती है प्लानिंग में भी मिलती है रिस्क स्ट्रैटेजी करते तब भी करते हैं मैनेजमेंट से डिस्कशन करते तब भी सो so, काफी बार कंडीशन सो ऑडिट इविडेंस जनरली यू गेट इन थर्ड फेज हमने जो पिलर देखे थे उसमें थर्ड प्लेयर में जब आप एक्चुअल एग्जीक्यूशन चेक कर रहे हो बट बाकी चीजें सर्कमस्टेंसेज कंडीशन इंफॉर्मेशन दिज यू ग्रू आउट यूर ऑल पिलर है, uh, है ना तो so, आपको हर टाइम थ्रू आउट यूर ऑडिट यूनिट टू बी प्रोफेशनली स्क्रिप्टिज्म हाउ इट विल हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क कैसे कि यू विल नॉट ओवर लुक यहां पर आता है कि भी professional का क्या है बेनिफिट क्या है वेरी इजी क्वेश्चन बट दे कैन ट्विस्ट दंसर यही रहेगा बट दे कैन जस्ट सो यहाँ पे वर्ड इफ द ऑडिटर इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सो उल्टा भी पूछ सकते वॉट इज द बेनिफिट ऑफ प्रोफेशनल आप बोलोगे यार कहीं ऐसे स्पेसिफिक दिखानी है तो दिस आर देनिफिट की यू विल नॉट ओवरलुक अन यूजल सर्कमस्टांसिस यू विल नॉट जनरलाइज वेन ड्रॉइंग द कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन जब मैं कंक्लूजन कर रहा हूँ अभी क्वालिफाई करना है नहीं करना है सब मुझे एविडेंसेस मिले हैं सब अच्छे हैं नहीं है है ना जब मुझे ये कंक्लूजन करना है आई एम नॉट जनरलाइजिंग आई एम डूइंग अ बोले तो इट इज अन्फॉर्म डिसीजन

फुलफिल हुआ है क्या वी विल जनरली चेक पर हम सम कम सैंपल चेक करते हैं सपोज क्योंकि हमको पता नहीं था और यही आपको पता है कि भाई करोड़ है ना तो दो सौ करोड़ रुपए है ना ये मिलने वाला है बोनस तो आप क्या करोगे आप क्या करोगे आप आपका जो नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड है जो आप ऑडिट प्रोसीजर जो सैंपल चेक करने वाले हो उनको बढ़ाओगे या कम करोगे जैसे भी सर्कमस्टांसिस है है ना सो बीइंग अलर्ट आपको दिस दिस द ऑडिटर मे एक्सेप्ट रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स एज जेन्युइन इज द अजम्पशन है ना

अभी आपको एविडेंसेस मिल रहे हैं और सपोज आपको दिख रहा है कि अरे कुछ तो इनकंसिस्टेंसी है फॉन्ड में या और कुछ तो देर इज अ रीजन टू बिलीव कि देर इज अ भी ये एविडेंस सही है या नहीं देन यू शुड क्वेश्चन अदरवाइज यू कैन एक्सेप्ट आप इस पर सपोज क्वेश्चन आता है कि क्लाइंट ऑडिटर uh, ने देख रहा था उसको कुछ तो इशू दिखा बट ही एंड ही सेड कि आई हैव टू अज्यूम आई हैव टू टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट रिकॉर्ड्स एज एज इट इट इज नो 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 यू डोंट नीड इज You will accept as it is if एज इट इज इफ contrary डोट हैव रीजन टू बिलीव कॉन्ट्री मीनस इफ यू डोंट है आपको कुछ दिख रहे हैं और आप नहीं पूछ रहे हो देन देर इज इशू और ऐसे ही क्वेश्चन जनरली आपको आते हैं कि भाई ऑडिटर ने क्या किया उसको रिकॉर्ड मिला ऐसे एक्सेप्ट किया क्योंकि एसकीसी वन में बोला है, है ना ये आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्मी में बोला है, है ना सो so उसमें एक्सेप्ट कर लिया आपने नहीं आपको क्या करना है आपको एक्सेप्ट करना है अनलेस यू हैव रीजन टू बिलीव कॉन्ट्री कि भी नहीं कुछ तो इश्यू दिख रहा है कुछ इनकन्सिस्टेंसी है या कॉन्ट्रेडिक्टिंग है सो यू हैव टू प्रोफेशनल स्क्रिप्टिज्म यू हैव टू ना प्रोफेशनल स्क्रिप्टिज्म इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट दट इज ऑल फोर पिलर इनकेबाउट द रिलाइबिलिटी इन्फॉर्मेशन एंड इंडिकेशन ऑफ पॉसिबल फॉर दस इज रिक्वायर दट ऑडिटर्स शुड इन्वेस्टिगेट फर्दर एंड वर्क मॉडिफिकेशन और एडिशन टू ऑडिट प्रोसीजर ने टू रिजोल्व द मैटर मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेस ऑनेस्ट एंड हाई इंटीग्रीटी डिव द ऑडिटर द नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पास्ट में कि मैनेजमेंट है ना एंड दोस्त चार्ड विद आर ऑनेस्ट एंड हैव इंटीग्रिटी एंड डज नॉट रिलीव द ऑडिटर द नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मैनेजमेंट ऑनेस्ट है मैनेजमेंट पुराना है अभी आप जाओगे सपोज को ऑडिट करने आप बोलोगे यार रतन टाटा तो इतना आप बोलते है उसका MD, उसका लोग जो भी है वो भी आपको लगता है दे आर वेरी गुड दे आर ऑनेस्ट दे आर दे बट ठीक है बट एज ऑडिटर आपका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना देट रिलीव यू मेंटेनिंग प्रोफेशनल जब आप रिलायंस कर रहे हो या आप भाई आप हर एक बार तो ये नहीं सक सो यू आर ऑडिटर यू आर नॉट इन्वेस्टिगेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल सो यू नीड टू की ऑडिटर तो आप हर चीज पे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो है ना कि ये सब गलत ही है ऐसा नहीं बोल सकते आपको चेक करना है आपको कोई बिलीव है है कि कुछ है, या आप प्रोफेशनल बोले तो आप बींग अलर्ट हो है ना आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली वो वो सही नहीं है रिलायबल नहीं दिख रही है एविडेंस मिले उससे या आपको कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंसेस मिले जब आप बींग अलर्ट हो और फिर कभी ऐसे सब हुआ तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो मैनेजमेंट से डिस्कस करना है एंड सेकेंड आपके ऑडिट प्रोसीजर्स को आपको चेंज करना है तो आपको, आता है, suppose, तो है, आपको मिले, तो आप, आप बोलोगे no, 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 no. आपको ऑडिट प्रोसीजर सपोज आपको ऐसा कुछ दिख रहा है तो डू दैट एडिशनल प्रोसीजर्स इंश्योर एंड कंक्लूड मैंने देखा अलर्ट किया मुझे घंटी बजी घंटी सपोज आग लगी है है ना आपने काफी बार देखा है कि फायर फाइटिंग सिस्टम रहती है काफी जगह आग लगने के बाद क्या होता है घंटी बजती है ना तो घंटी बजने के बाद क्या होता है हर, हर बार आग लगी ही रहती है क्या नहीं कभी कभी मिस अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है छोटा सा धुआं आता है उधर से और उसकी वजह से वो बच जाती है सो so, वैसा भी काफी बार हो सकता है कि आप बट आप अलर्ट तो रहोगे देखोगे तो सही एटलीस्ट की धुआ तो धुआ ही था बड़ा आग तो नहीं लगा है सिमिलर वे दैट इज अ प्रोफेशनल स्कैप्टिजम कि आपको बीइंग अलर्ट रहना है आपको ये चीजें देखनी है आपको ऐसा कोई एविडेंसेस ऐसे कोई चीजें मिले जो कॉन्ट्राडिक्टिंग है या इन्फॉर्मेशन है या कोई कंडीशन है या कोई सर्कमस्टेंसेस है ऐसे आपको कोई चैलेंज दिखा तो आप क्या करूंगे पहले देखोगे वो सिर्फ दुआ है कि आग लगी है आप देखोगे ही है तो ठीक है फिर कुछ नहीं करना है या आप थोड़ा सा एडिशनल क्या कर रहे आप प्रोसीजर किया और आपने देखा कि दुआ है मतलब आप चल के गए और देखा कि दुआ है तो उसको क्या बोला हमने ऑडिट प्रोसीजर्स एडिशनल की है ना उसके लिए हमको कुछ और डिविडेंस चेक करने पड़ेंगे कुछ क्रॉस चेकिंग करनी पड़ेंगे आपको समझा धुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं धुए से ज्यादा है तो आप और फिर ऑडिट प्रोसीजर करोगे या फिर अपना जो रिपोर्ट का सेक्शन है रिपोर्टिंग का या ऑडिट प्रोसीजर का जो उसमें हम देखेंगे और क्या करना है या फ्रॉड दिख रहा है तो फ्रॉड का जो चैप्टर है उसमें हम समझेंगे कि ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ठीक है सो दिस इज वॉट प्रोफेशनल सो इंडिपेंडेंस थ्रेड टू इंडिपेंडेंस एंड प्रोफेशनल मोस्ट स्केप्टिज्म न्यू कंसेप्ट फॉर यू एंड इस पे क्वेश्चन आते हैं ठीक है नेक्स्ट सेक्शन इज

information such as following assist the engagement partner in determining whether decision regarding acceptance or continuance of audit engagement are appropriate so sabse pehle isme ek cheez dhyan mein rakhni hai sqc 1 lakh ka requirement hai ye second wo bolta hai aap accept या continue करने के पहले आपने कुछ information लेनी पूछी है और उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए कि मैंने ये क्लाइंट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है ठीक है सो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है क्यों वो एंड व्हाई दे आर सेइंग बिकॉज़ whether you can take professional due care whether you have professional competence hai na ye ek ho gaya whether you are as a auditor suppose aap xyz client hai aur jisne kafi fraud kiya hai and everybody knows that in the market whether you should be associated with this client चलो आप बोलोगे यार फीस अच्छा मैं associated हूं चलो आप associate कर रहे हो तो आप क्या risk ले रहे हो क्या आपके ऑडिट risk कैसे mitigate कर रहे हो ये सब question आपको स्टार्ट में ऑडिट चलो आप कहीं जॉब जा रहे हो या आप कुछ सब्जेक्ट कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो कहीं भी नई जगह कुछ काम करना शुरू कर रहे हो तो आप क्या करोगे पहले पहले देखोगे ना कि भी लोग कैसे है लोग को ले दो मैनेजमेंट कैसा है है ना या मेरा सीनियर कैसा है राइट वो देखेंगे फिर वेदर आई एम एलिजिबल मैं कॉम्पिटेंट हूँ क्या वो जॉब के लिए आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप क्या देखते हो पहले कि भाई मेरा जो क्वालिफिकेशन है मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इससे मैच होता है क्या तभी आप अप्लाई करोगे ना सिमिलर वे ये दिस इज लॉजिकल नथिंग ऐसे अलग बट दैट इज एंड इट इज रिक्वायर्ड कम्पल्सरी है ना कि भाई आप जब एक्सेप्ट कर रहे हो आप इंफॉर्मेशन करो आप देखो कि भाई मैंने एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो क्या क्या है वो इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स की मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज सबसे पहले मेरे को मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी देखनी है भाई इंटीग्रिटी है क्या नहीं तो उनका ही इंटीग्रिटी नहीं है तो वो मुझे कैसे इंटीग्रिटी से ऑडिट करने देंगे फिर तो वो इंटीमिटेशन थ्रेड दे देंगे ना सो so, पहले तो आप देखो इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर जो प्रिंसिपल ओनर है वो इंटीग्रिटी से काम कर रहा है क्या कि चोरी का इंटेंशन है सो शुड आई एसोसिएट विद देम और नॉट जो की मैनेजमेंट है दोस्त इंटीग्रिटी से देखो सेकंड क्या देखो कॉम्पिटेंस ऑफ एंगेजमेंट टीम इंक्लूडिंग टाइम एंड रिसोर्सेज भी मेरे पास टाइम है क्या मेरे पास रिसोर्स है क्या मेरे पास कॉम्पिटेंट अभी सपोज आज मैंने जैसे आप सी कल हो गए है ना सी होने के बाद आप क्या करोगे नहीं सर मुझे जॉब नहीं करना है मुझे प्रैक्टिस करनी है ठीक है चलो प्रैक्टिस कर लो है ना तो प्रैक्टिस करने के बाद क्या करोगे हम्म प्रैक्टिस करने के बाद आपको सपोज रिलायंस आता है और बोलता है मेरा ऑडिट कर दो दूसरे दिन कर पाओगे आपके पास उतने रिसोर्स है आपके पास उतना कॉम्पिटेंसी है सो दैट यू हैव टू थिंक सो दिस इज अ वेरी बिग एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वेयर यू कैन क्लियरली सी की कॉम्पिटेंसी है या नहीं टाइम है या रिसोर्स बट सपोज आपको कोई आता है जो बोलता है मेरा बीस करोड़ का टर्न ओवर है दस करोड़ का टर्न ओवर है आप कर पाओगे क्या है 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 ना तो then you have to see कि उसका का क्या ये क्यों करना रिस्क ऑडिट रिस्क जो हम ले रहे हैं अपने नाम पे आपका नाम खराब होने से बचाता है और पहले ही एसोसिएट मत हो ऐसा बोलता है कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्म एंड टीम देखो कि मैं कंप्लायस कर सकता हूँ इंडिपेंडेंट है ना क्लाइंट का या हमने शेयर्स तो नहीं कर रहे हैं या हम कुछ अकाउंटिंग सर्विस दे रहे हैं तो हम ऑडिट तो नहीं कर पाएंगे कैन कैन आई आई वर्क वर्क ऑब्जेक्टिवली मेरा और टीम का दोनों का इंश्योर करना है ना एंड लास्ट क्या करना है सिग्निफिकेंट मैटर ड्यूरिंग द प्रीवियस एंड करेंट ईयर ऑडिट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन कंटिन्यूइंग द रिलेशनशिप सपोज कुछ पिछले साल कुछ सिग्निफिकेंट मैटर था है ना प्रीवियस ईयर में या करंट ईयर में ऐसा कुछ है जो मैंने सोचना चाहिए और मैंने सोचना चाहिए कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ऑडिटर so, ने क्वालिफिकेशन किया इसलिए उसको कर दिया। और आप ले रहे हो क्लाइंट सो so, सोचो है ना सो so, ये चार चीजें आपको देखनी है एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस की आपको ये इन्फॉर्मेशन लेनी है जनरली इसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए फॉर्म में है ना क्या फॉर्म होनी चाहिए जनरली क्या होता है प्रैक्टिकली आई विल टेल यू कि भी एक चेकलिस्ट होती है में क्वेश्चन होता है कि भाई मैनेजमेंट कौन है मैनेजमेंट पे कोई फ्रॉड का केस चल रहा है क्या या मैनेजमेंट जब कॉल लेता है वो एग्रेसिव इनफ है क्या न, बोलता है ना कॉल बोलते हो जो भी अकाउंटिंग पोजिशन टैक्स पोजिशन जो भी ले रहा है सो देर एन नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑन द मैनेजमेंट देन आपकी कॉम्पिटेंस पे आता है भी कितना घंटा लगेगा कॉम्पिटेंट है आपके पास उतने रिसोर्स है क्या ऐसा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देन क्वेश्चन रहते हैं फिर कंप्लायंस भाई आप इंडिपेंडेंस हो क्या कोई रिलेटिव काम कर रहा है क्या आप इंटीग्रेटिव से काम कर सकते हो क्या आप ऑब्जेक्टिवली काम कर सकते हो क्या आपको कोई थ्रेड तो है नहीं ना ऐसा फिर आपने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन किया है क्या फिर किया है तो कोई इश्यूज उसने बताया है क्या या पिछले साल आपने ऑडिट किया था तो आपने क्वालिफाई किया है क्या रिपोर्ट क्वालिफाई किया है तो क्यों किया था इस बार वो रेक्टिफाई हो गया है कि क्या है या इस बार ऐसे कोई मैटर है अभी आपको प्रलिमिनरी में समझ रहा है कि जो क्वालिफिकेशन या इश्यूज है है ना सो so, ऐसे क्वेश्चन रहती है ऐसी चेकलिस्ट रहती है उससे आप उसको भरते हो उसका कंक्लूजन करते हो पार्टनर रिव्यू करता है और इंटरनली कोई रहा रिव्यू करने वाला वो रिव्यू करता है और फिर आप बोलते हो कि करना है या नहीं करना है सो दैट इज वॉट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस है ठीक है So, तीन चीजें देख लिया एक्सक्लूसिव वन में पहली चीज थी अपनी लीडरशिप सेकेंड इथिकल रिक्वायरमेंट थर्ड एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्ट फोर्थ है तो इसमें क्या होने चाहिए आपके पास इथिकल रिक्वायरमेंट की प्रोसीजर होनी चाहिए लीडरशिप में सीधा क्वालिटी का मैसेज जाना चाहिए उसके लिए पॉलिसीज फोर, ये फोर्थ जो है ह्यूमन रिसोर्सेज की भी आपकी पॉलिसीज वैसी होनी चाहिए क्या तो एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर

You know? so that should be your that should come into your policies addressing this issue enables the firm to ascertain the number of number and the characteristic of the individual required from the firm's engagement the firm's recruitment process include procedure that help the firm to select individuals of integrity कैपेबिलिटीज एंड कॉम्प्यूटू परफॉर्म फर्स्ट सोल रहा है आपके पास ऐसी होनी चाहिए आप जब रिक्रूटमेंट कर रहे हो आपके इंटरव्यूज में आपने ये क्वेश्चन पूछना चाहिए हुआ तो कैसे आप करोगे या आप इंटीग्रिटी ले आपको कोई गिफ्ट दिया क्लाइंट ने तो आप क्या करोगे काफी रोज आपको घुमाने ले जा रहे हैं तो क्या करोगे सो यू विल गेट दीज आर द जनरल क्वेश्चन जहां पे आपकी इंटीग्रिटी आपका इंटीग्रिटी चेक किया जाता है उसके हिसाब से दे डिसाइड की वेदर यू कैन वर्क इंटीग्रिटीली काफी लोग जगह काफी इंटीग्रिटी तो so, है या नहीं है सो so, आपको भी ये ध्यान रखना है तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है फॉर्म में आपकी ऐसे रिक्रूटमेंट पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे आप थ्री सी बोले दो कॉम्पिटेंट कैपेबल एंड कमिटेड पीपल को हायर कर सकते हो आपके पास और आपके पास कितने नंबर है, है, तो कितना पच्चीस सौ घंटा लगेगा पच्चीस सौ घंटे का काम है तो मुझे कितने आर्टिकल लेने चाहिए मैंने कितने सी लेने चाहिए मेरे कितने पार्टनर है वो कितने होने चाहिए या एक पार्टनर से हो जाएगा या दो पार्टनर देखने चाहिए सो ऐसा सब हिसाब करके आपने

कमिटेड और अच्छी तरह कॉम्पिटेंट रिसोर्स हो तो वो कैसे होना चाहिए आपके पास अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी होनी चाहिए एंगेजमेंट परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली अच्छे क्वालिटी का ऑडिट कर रहे हो एंगेजमेंट कर रहे हो है ना ये आपका क्या है इसके लिए आपकी पॉलिसी प्रोसीजर उसके लिए क्या होना चाहिए आपके पास सो so, एक रिटर्न एंड इलेक्ट्रॉनिकल मैनुअल्स होने चाहिए जिसको एचआर मैनुअल जनरेट बोलती है या एच पॉलिसीज बोलती है सॉफ्टवेयर टूल्स होने चाहिए अदर फॉर्म्स ऑफ स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जैसे एक चाहिए या पॉलिसीज बोल सकते हैं आप इसको फिर क्या होना चाहिए आपके पास है ना होने चाहिए अलग अलग जहाँ पे आप है ना लोगों का एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कर सकते हो जनरली कैसे रहता है उसमें आपको भरना पड़ता है कि भाई आपने क्या काम किया कैसे किया आपने इंटीग्रिटी कुछ इश्यूज हुए क्या है ना और फिर आपको है ना डॉक्यूमेंटेशन के भी सॉफ्टवेयर होने चाहिए आपके पास कि जिससे जो आपके टीम मेंबर है वो अच्छी तरह काम कर सके और एक उनमें स्टैंडर्ड आए काम में

सुपरविजन हो रहा है क्या जैसे सी ए है ना सीधा पार्टनर ही नहीं है बीच में मेथड्स ऑफ द वर्क सिग्निफिकेंट जजमेंट्स मेड एंड फॉर्म रिपोर्ट इश्यूड सो भी मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग रिव्यू कैसे होता है आपका काम का है ना अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है क्या प्रोसेस टू की मेरे जो पॉलिसीज प्रोसीजर मैंने कहा रखी है सो दिस इज वॉट एंगेजमेंट परफॉर्मिंग जब आपको कंसिस्टेंटली अच्छा एंगेजमेंट परफॉर्म करना है कंसिस्टेंसी रखनी है उसके लिए आपको पॉलिसीज प्रोसीजर एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगे बोले तो क्या करना पड़ेगा आपको कौन रिव्यू करेगा आप ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो क्या लोगों को आप ब्रीफ कर रहे हो क्या एंगेजमेंट के पहले कि क्या काम करना है आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो क्या अच्छी तरह आपने जो भी ये पॉलिसीज प्रोसीजर हमने डिस्कस की वो एक जगह स्टोर किए क्या नया बंदा आया तो वो जाके पड़ेगा कि भाई कंपनी की पॉलिसीज प्रोसीजर क्या है जनरली यही होता है बड़ा कमी रहा एंड आप बोलेंगे सर ये हर सी में होना चाहिए क्या कम ज्यादा हो सकता है है ना क्योंकि साइज है क्लाइंट का साइज टीम का साइज सपोज दो ही लोग हैं तो आप इतना सब झंझट करोगे क्या नहीं बट एटलीस्ट मिनिमम कुछ तो होना चाहिए आपके पास टू इंश्योर की भी आप कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हो है ना आपके पास पचास सौ लोग हो दो सौ लोग इज मोर इम्पोर्टेंट इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है आपको और डिटेल में पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए सपोज आपके पास कम लोग हैं तो आप ब्रीफ में रखोगे थोड़ी चीज बट होनी तो चाहिए क्योंकि एसक्यूसी एक्सक्यूसिवन इज मैंडेटरी टू ऑल द फर्म्स हु आर गिविंग एश्योरेंस बोले तो एस एज एसआरज एस एस है ना जो भी हमने देखे कि एश्योरेंस एंगेजमेंट आप कर रहे हो रिव्यू एंगेजमेंट कर रहे हो ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हो या रिलेटेड सर्विसेज कर रहे हो जो भी हमने देखा वैसा तो आप कुछ दे रहे हो तो आपको कंपलसरी है ये सब मेंटेन करना एट लेवल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन साइज लास्ट वन ये सब हमने जो देखा एक दो तीन चार एंड पांच जो है लास्ट वन एंगेजमेंट परफॉर्मेंस इसका सबका क्या होना चाहिए मॉनिटरिंग होना चाहिए तो उसके लिए भी क्या होनी चाहिए Again, policies, होनी चाहिए में तो एंड ऑन गोइंग कंसिडरेशन एंड इवेल्यूएशन ऑफ द फॉर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूडिंग अ पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट सो जैसे आप मैंने बोला था कि आप क्या करो पीरियोडिक सिलेक्शन करो आपके पास काफी एंगेजमेंट है और देखो कि जो एंगेजमेंट की क्वालिटी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस ये सब प्रोसीजर हो रही है क्या एंड कंपनी में ये भी पॉलिसी एंड प्रोसीजर होनी चाहिए कि आप मॉनिटर कर रहे हो तो मॉनिटर करने के लिए आपके पास सिस्टम होनी चाहिए कि आप इंश्योर कर रहे हो कि क्वालिटी कंट्रोल आपका मेंटेन हो रहा है और ऑनगोइंग से इवेल्यूएशन हो रहा है कि भी कोई गलत तो नहीं कर रहा है वो इवेल्यूशन होते देना चाहिए कैसा होगा वो कि भैया जो कंप्लीटेड असाइनमेंट है जो कंप्लीट हो गया जैसे हमने क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का रिपोर्ट देखा था वो एक्सटर्नल एजेंसी है ये क्या बोलते हैं आपके पास इंटरनल एजेंसी होनी चाहिए कि आप पीरियडिकली इंस्पेक्शन और सिलेक्शन कर रहे हो और देख रहे हो कि भाई ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पर्पज ऑफ मॉनिटरिंग कंप्लायस क्वालिटी कंट्रोल इज टू प्रोवाइड इवेल्युएशन ऑफ एडरेंस टू प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल

क्वालिटी कंट्रोल जो होनी चाहिए कंपनी में वो है ना डिजाइन किए और इम्प्लीमेंट किए तो सिर्फ डिजाइन और इम्प्लीमेंट से नहीं होता है फिर उसके बाद क्या देखना है जो आपने डिजाइन किया है वो अप्लाई भी प्रॉपरली किया है क्या नहीं वो सो इट इज अप्लाइड ऑल्सो सो दैट्स वाई यूनिट टू सो भाई डिजाइन किया है पहले तो आप इंश्योर कर रहे हो कि कंप्लाइंसेज है, तो जो है जो हम बोल रहे हैं उससे है है ना जैसे आपको आईसीआई कोड ऑफ ऑफिक्स भी बोलता है कुछ फिर एक्ट कुछ बोल देता है रिगल गवर्नमेंट में फिर हमने एसक्यूसी देखा वो कुछ बोल देता है कुछ आईसीआई का गाइडेंस नोट आएगा वो कुछ बोल देगा कुछ सी सपोज आप कंपनी और गवर्नमेंट ऑडिट कर रहे हो तो उसमें सी एंड जी आता है कंप्यूटर कंट्रोलर ऑफ इंडिया उसके कुछ गाइडलाइंस है वो सब आप इंश्योर कर रहे हो या नहीं हो रहे हो कभी कुछ है तो उसके रिलेटेड फर्म को इंश्योर करना है क्वालिटी फिर आपने वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए डिजाइन किए या नहीं इम्प्लीमेंटेड डिजाइन और इम्प्लीमेंट और बाद में वो उसको प्रॉपरली लोग अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे ठीक है सो दिस इज वॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरिंग सो एसक्यूसी वन यहाँ पे हमारा खत्म होता है एसक्यूसी वन जो क्वालिटी कंट्रोल पे है उसमें देर आर सिक्स पॉइंट वन इज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी सेकेंड इज इथिकल रिक्वायरमेंट राइट इथिकल रिक्वायरमेंट थर्ड इज अपना चार ह्यूमन रिसोर्सेस फोर्थ इज सॉरी थर्ड इज एन सी है फोर्थ इज ह्यूमन रिसोर्सेस एच आर फिफ्थ इज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के रिलेटेड की कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है एंड लास्ट वन इज उन सबका मॉनिटरिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है ठीक है ये आपको एक्सक्यूसिव वन बोल रहा है जो फॉर्म को करना है एनी क्वेश्चन ऑन एक्सक्सिव वन इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें काफी छोटी छोटी चीजें है और इसपे काफी क्वेश्चन आ सकते हैं कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी विल गो टू एसे टू वन जीरो क्या है आपका एग्रिंग टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट सो जब आप कोई भी एंगेजमेंट लेते हो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 210 सो so एक है एस ए जिसमें ऑडिटर का हमने देखा था ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बताता है क्या ऑब्जेक्टिव टू रिपोर्ट टू कम्युनिकेट टू इंश्योर है ना कि फिनाशियल स्टेटमेंट ऑफ फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है ना टू टू कम्युनिकेट द रिपोर्ट टू रिपोर्ट करना है जो भी मैंने किया है उस पर काम रीजनेबल एक्शन टू वन जीरो हम बोलते हैं वो वो है 210. वो क्या बोलता है सिंपल एंगेजमेंट लेटर है ना आप कुछ भी करते हो तो लीगल फॉर्म उसको होना चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए एंगेजमेंट लेटर एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या आएगा एग्री दर्मस ऑफ ऑडिंग टर्म्स क्या क्या है टर्म्स में क्या क्या आता है भाई मुझे फीस कितनी मिलेंगी मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो किसके अंडर कर रहा हूं भाई कोई लॉ के अंडर है मैंडेटरी या मैं वॉल्ट्री कर रहे हैं मैंडेटरी है तो कौन से एक्ट के अंडर है कंपनीज एक्ट के अंदर है एल एल पी के अंडर है क्योंकि उसके हिसाब आप से आपका क्या डिसाइड होगा फिनांशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिसाइड होगा है ना हमने देखा था स्टैच्यू आईसीआई सो आपका फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिसाइड होगा तो आप बोलोगे फिर मैंडेटरी है कंपनीज एक्ट में है फिर आप क्या करोगे शेड्यूल थ्री फॉलो करोगे है ना डिस्कलोजर के लिए जो आपका कंपनीज एक्ट में सो सो दिस ऑल यू नीड टू डिसाइड ये कहां पे एग्री टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में है ना तो यहाँ पे एक टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट बोले तो एंगेजमेंट लेटर साइन करना क्लाइंट के साथ कि भाई अपने दोनों में एक टर्म्स एग्री हो गई कि भाई मैं और मैंने ना जो भी किया है वो ऐसे के हिसाब से किया है उसमें हम ये भी लिखते हैं है ना सो वी राइट लॉट ऑफ थिंग्स इन द एग्री द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में अब पे पे पहले so, पहले किया है, एक तो भी मैं जब कर रहा उसके पहले मैंने क्या इंश्योर करना चाहिए एक्सेप्ट कर लिया उसके टाइम पे क्या करना चाहिए और बाकी क्या रिक्वायरमेंट है ऐसे टू वन जीरो के लिए और उसके सबसे पहले आते हैं प्री कंडीशन फॉर ऑडिट है ना सो so, जो प्री कंडीशन है भी मैं, वो मैंने इंश्योर करनी चाहिए ऐसा आपको बोल रहा है है ना सो ऐसे टू वन जीरो पहले प्री कंडीशन देख लेते हैं हम उसके अलावा तो आगे जा ही नहीं सकते ना Pre -conditions for audit कभी एक्सेप्ट हो गई कभी हम आगे बढ़ेंगे for the signing engagement so, for audit क्या है? यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फिनांशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू प्रीमाइसिस ऑन ऑडिट विच ऑडिट ऑडिज ऑन विच ऑडिट

मैनेजमेंट बोल रहा है मुझे इंडेस ही नहीं है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल आप बोल रहे नहीं सर देर इज नेटवर्थ इंक्रीज यू शुड कंसिडर नेटवर्थ में ये रिजर्व भी तो आपको एप्लीकेबल मैनेजमेंट बोलते नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया आपका एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है मैनेजमेंट के साथ तो फिर क्या हो गया मैनेजमेंट बोलेगा यार तो आप तो ऑडिट ही नहीं कर सकते एंगेजमेंट लेटर साइन ही नहीं कर सकते आगे तो दीज आर द प्री कंडीशन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है या इंडेस एप्लीकेबल है आप कौन से फ्रेमवर्क के हिसाब से आपका वो होगा वो क्लाइंट को और मैनेजमेंट को एक्सेप्ट होना चाहिए दूसरा एग्रीमेंट कि भी आपका जो है एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू ऑन विच ऑडिट बी विचि प्रीमाइस जैसे आप बोलोगे स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग से होगा या सपोज वो रिव्यू एंगेजमेंट है तो आप क्या बोलेंगे मैं क्या लिखूंगा वहां पे एसआर का रेफरेंस दूंगा और क्या बोलूंगा वहां पे मैं बोलूंगा वी आर नॉट गिविंग ओपिनियन हियर वी हैव जस्ट रिव्यूड द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट एंड अकॉर्डिंगली वी हैव नथिंग टू कमेंट व्हिच इज मिसस्टेटेड वहां पे मटर वी आर नॉट गिविंग ओपिनियन ये आप लिखोगे सो दैट शुड बी एग्रीड बिटवीन द यू एंड मैनेजमेंट कि सारी के हिसाब से आई एम नॉट गिविंग ओपिनियन है ना हमने देखा था दो जगह ओपन ओपिनियन नहीं दे रहे है ना रिव्यू में और एश्योरेंस एंगेजमेंट में हम दे नहीं रहे हम वहां पे फैक्चुअल स्टेटमेंट करते हैं कि हमने जो किया उससे कोई इश्यू मिला नहीं है

कि भाई जो एफआरएफ है वो मैनेजमेंट को एक्सेप्टेबल है अपने मैनेजमेंट को रिटर्न एग्रीमेंट है मैनेजमेंट रिटर्न एग्रीमेंट देने के लिए रेडी है कि आपका मैनेजमेंट का भी रिस्पॉसिबिलिटी सिर्फ फिनेंशियल बनाना मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिटी है इंटरनल कंट्रोल मेंटेन करना मैनेजमेंट का रिस्पॉसिबिलिटी है सबसे पहले तो सब मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिलिटी फिर ऑडिटर का रिस्पॉन्सिटी राइट right? आप ऑडिट रिपोर्ट भी देखोगे जैसे हमने कल देखा था उसमें है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम अलग पैराग्राफ लिखते हैं कि आपको ये सब इंश्योर करना है आपने देने के बाद मैं उसका ऑडिट करता हूँ है ना और थर्ड मैनेजमेंट कहीं भी मुझे रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेगा मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन देगा पूरा रिकॉर्ड देगा एक्सेस टू ऑडिटर इवन ये आपको आपकी क्या है पावर टू ऑडिटर भी ये अंडर का कंपनीज एक्ट में कभी आप कंपनी एक्ट में कर रहे हो वहां पर भी बोलता है कि एक्सेस देना है ऑडिटर को सब इन्फॉर्मेशन का ये आपको कंपनीज एक्ट भी पावर रहा है

कन्फर्मेशन ऑफ मैनेजमेंट रिसेंटलीस लिमिटेशन ऑन स्कोप डोट एक्सेप्टेजमेंट सो यहाँ पे आपको क्या करना है ऑडिटर को आप साइन करने के एक्सेप्ट करने के पहले आपको क्या करना है कि भाई एफ आर एफ जो हमने देखा है ये, ये तीन जो कंडीशन है कि आप क्या करो एक्सेप्ट मैनेजमेंट ने जो डिटरमाइन किया है वो एफ आर एफ सही है मैनेजमेंट का कंफर्मेशन मिल गया आपको मैनेजमेंट रिस्पॉसबिलिटी है कि मैनेजमेंट रेडी है ये उसकी सब रिस्पॉन्सिलिटी है एंड आपको सब एक्सेस मिलने वाला है आपको जो रिकॉर्ड चाहिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब मिलने वाली है और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगे तो भी वो मिलने वाली है ना तो मैनेजमेंट क्या बोलेगा आपने इतनी मांगे ना आज ही दे दो मुझे आप बोलेंगे ये लो रिक्वायरमेंट लिस्ट ये बीस चीजें तो मुझे चाहिए मैनेजमेंट बोलेंगे ये बीस के अलावा मैं कुछ नहीं दूंगा चलेगा नहीं चलेगा अपने को क्या बोलना है यू कैनोट पुट लिमिटेशन ऑन माई स्कोप अपन ने किया ना बोले तो तो क्या क्या बोला कंपनीज़ कंपनीज़ के से, के हिसाब हिसाब से से अपने करना करना है करना है तो और क्या बोलता है और मैं ऑडिट कैसे कंडक्ट करूंगा ऐसे के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग है तो ये सब का मिलके जो भी मुझे रिक्वायरमेंट रहेंगे वो सब आपको देना है फिर उसमें अब मत बोलो क्योंकि आपने एफआरएफ एक्सेप्ट किया अब मत बोलो कि मैं ना ये इन्वेंटरी नहीं कूंग ये अमुक्ट इन्फॉर्मेश नहीं दूंगा ये वाउचर नहीं दूंगा दैट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल सो हैज टू बी इंश्योर्ड बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ टर्म्स एंगेजमेंट आप बोलोगे सर साइन करने अरे ओरल तो एक्सेप्ट कर लो क्योंकि वो तो लिखा ही रहेगा एंगेजमेंट में बट बिफोर साइनिंग यू एक्सेप्ट ये सब लिखा हुआ है और इवन एंगेजमेंट लेटर में आप देखोगे आई विल जस्ट शो यू द फॉर्मेट कैसे रहता है एंगेजमेंट लेटर का सो so आपको और ज्यादा समझ में आएगा मॉड्यूल आपका Standard auditing those so thus. So जब आप सपोज एक्चुअल हो तो ध्यान में रखो की अपना जो इंस्टीट्यूट है उसने भी काफी टेम्पलेट इश्यू किए हुए है ये ये टाइप के और इंस्टीट्यूट ने नहीं किए है तो काफी बार स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जो है आपका उसके पीछे साइड में आपको ऑडिट रिपोर्ट का भी फॉर्मेट मिलता है आपको एंगेजमेंट लेटर का भी फॉर्मेट मिलता है सो so ये देखो एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर आप देखोगे तो तो इसमें दिया हुआ है पहले तो ये किसको एड्रेस किया हमने बोर्ड को किया क्योंकि जनरली एजीएम क्या बोलता है जो भी टर्म्स कंडीशन है वो बोर्ड से एग्री होंगे एंड बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग एडिट अपॉइंटमेंट कौन करता है अपने को शेयर होल्डर करते हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है ऑडिट करवाने का मैनेजमेंट का सो so ये टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्स बाय फिर हमारा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव इसमें आता है जा? कि भी ये स्कोप है हमने ये ऑडिट हम आपको करने वाले हैं right? राइट फिर उसके बाद आता है आपका कि वी विल कंडक्ट ऑडिट सो ये हो गया आपका प्रीमाइज आप कि आप ऑडिट कैसे कंडक्ट करोगे कि ऐसे के हिसाब से करोगे राइट right? फिर यहाँ पे आप ये भी डालोगे कि यहाँ पे आप देखना आर रिक्वेस्टेड तो यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हो एज पर कंपनीज एक्ट और एज पर एलएलपी जो भी आपको लिखना है जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, so क्या क्या फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड टू ऑल टाइम इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन वी विच मी रिक्वेस्ट एंड अनिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू persons within the entity as a part of audit procedure those charged with gunner return confirmation concerning representation made to us bhi aapko dena padega aur kuch information hai to wo hum reporting jo karenge expected to contain audit report और ये सब और फिर हम क्या करते हैं उसको sign करते हैं और management उसको क्या करता है management भी यहाँ पे देखो acknowledged on behalf of ABC company वो भी करता है किसने acknowledge किया कौन accept किया

में पीछे लास्ट में टू वन जीरो के पीछे है सो ये हो गया ठीक है नेक्स्ट इज अब हम ड्राफ्ट कर लेंगे एंगेजमेंट लेटर है ना और रिकरिंग ऑडिट्स रहा तो क्या है और चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रहा तो अभी हमने एक्सेप्टेंस कर लिया एंगेजमेंट लेटर का उसके बाद क्या हो सकता है एक तो चेंज हो गया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में भाई स्कोप चेंज हो गया या कंपनी है ना प्राइवेट लिमिटेड से लिस्टेड में कन्वर्ट हो गए बीच में उनको आईपीओ लाना है

ऑडिट टर्म्स नॉट प्रिस्क्राइब बाई द लॉ डॉक्यूमेंट द लेटर ऑफ एंगेजमेंट ऑडिट टर्म्स प्रिस्क्राइब बाय द लॉ डॉक्यूमेंट दैट लॉ रेगुलेशन अपलाइज एंड एक्नोलॉजी सो दो हो सकता है या वॉलेंट्री तो हो सकता है मैंडेटरी रहा तो आपको मोर स्कोप डिफाइन करना पड़ेगा जैसे मैंने बोला आप सपोज लिख लेते हो कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट कर रहा हूँ या कमनीज ऑडिट की वजह से मैंडेटरी और इसलिए अपन ऑडिट कर रहे हैं तो सबको पता है कि कंपनीज एक्ट का स्कोप क्या है वहां पे सब चीजें लिखी हुई है कि ऑडिटर्स का क्या पावर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है रिपोर्टिंग क्या है एवरीथिंग इज मेंशन मेंशन सो यू जस्ट नीड टू कि आई एम डूइंग ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट सपोज नहीं है और आप क्या कर रहे हो प्रोपराइटर का कर रहे हो फॉर्म का कर रहे हो कौन से फॉर्म का पार्टनरशिप फॉर्म का या एल का कर रहे हो जिसका चालीस लाख और पच्चीस लाख का लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है तो क्या होगा दिस इज नॉट मैंडेट अब उसको कितना करवाना है वो आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा तो आर नॉट डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ एंगेजमेंट डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या स्कोप है पॉइंट वाइज भी लिखना पड़ सकता है कि मैं इतना ही चेक करने वाला हूँ इतना नहीं चेक करने वाला फिर उस हिसाब से आप फीस भी कर रहे हो ना एग्री कि मैं, मैं सिर्फ फिक्स एसेट देखने वाला जो भी आपका एग्रीड हो वो क्योंकि वहां पे कहीं गवर्निंग ने

रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट जैसे मैंने बोला रिस्ट्रिक्शन क्या है एक तो मैनेजमेंट ने बोला कि आप क्या करो यूएस में मेरी सब्सिडरी आप बोलेंगे यार सर ये और मुझे ऑडिट करना ही पड़ेगा वो बोलेंगा, जाने का खर्चा नहीं है मेरे पास मैं नहीं दूंगा यू डोंट गो मैं सब देता हूँ आपको लग रहा है वो रिस्ट्रिक्शन है मेरे स्कोप पे मुझे नहीं करना है, है so तो अफगानिस्तान हो गया अपने स्कोप में ले मैनेजमेंट भी बोल रहे जाओ भाई

So, कुछ मिस हो होगी नेचर में तो क्या होगा चेंज इन टर्म्स होगा तो आप क्या कर सकते हैं लॉ क्या बोलता है जैसे कारो टू थाउजेंड सिक्सटी एप्लीकेबल था पहले है ना फिर बाद में अमेंडमेंट कर दिया और कारो दो था तो आपने क्या किया फिर चेंज कर दिया सरकमस्टेंसेज चेंज हो गए लॉ चेंज हो गए तो आपको क्या हो करना पड़ा न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्योंकि आप लिखोगे ना यहाँ पे कि भाई मुझे क्या करना है ऑडिट रिपोर्ट देना है सेक्शन ए के हिसाब से कारो रिपोर्टिंग करनी है तो आपने चेंज कर दिया जो भी एडिशनल है एडिशनल दे दो उसको एनेक्स्टर दे दो या पूरा ही चेंज कर दो जैसे भी आपका वे है जनरली एडिशनल एक एनेक्स्टर देता है कि हमने ये कंडीशन बोली थी वो चेंज हो गई और उसकी वजह से ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड बोथ शुड रीड एज टूगेदर जनरली ऐसा बोलते हैं या आपको सपोज कोई एंटीटी कवर करनी है या और जैसे भी, भी कुछ तो आते रहता है एडिशनल रिपोर्टिंग तो वैसा कुछ हो गया तो वो आप सब रिकॉर्ड कर सकते हो नो रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर चेंज और चेंज टू अर लेवल ऑफ एश्योरेंस डोंट एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्या है विद्रॉ फ्रॉम ऑडिट है ना तो विद्रॉ कभी आपको एक्सेप्टेबल नहीं है और या चेंज आपको समझ नहीं रहा है कि ये चेंज करना ही क्यों है आपको ध्यान में नहीं आ रहा है क्यों मैनेजमेंट बोल रहा है या आपको लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस बोल रहे हैं लोअर लेवल बोले तो ये काम मत करो कोई कोई इश्यू नहीं है तो भी काम मत करो या आप इतने सैंपल ही मत चेक करो या आप रिजनेबल एश्योरेंस नहीं आप मुझे रीजनेबल uh, एश्योरेंस के लिए जितना काम करना है उससे भी कम काम करो ऐसा सब मैनेजमेंट बोलता है तो आपको क्या करना है एक तो रिक्वेस्ट हम एक्सेप्ट नहीं करनी है और मैनेजमेंट फोर्स ही कर रहा है तो बोलना मैं नहीं कर पाता भाई आई एम विद्रॉइंग ठीक है थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछना है ऑडिटर तो आप कितने साल के लिए अपॉइंट कर सकते पांच साल के लिए तो हम क्या लेटर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक साथ कर सकते हैं क्या एग्री यस कर सकते है बट फिर क्या होगा उसमें आपने कर दिया और कुछ चेंज हुआ तो आपको चेंज इन टोई टीओ करना पड़ेगा सो रिवाइज द सो रिकरिंग ऑडिट्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा रिवाइज इफ द दिसरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑडिट एंगेजमेंट रिविजन चेंज इन ओनरशिप सीनियर मैनेजमेंट नेचर साइज एंटिटीज बिजनेस लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एफ आर एफ चेंज इन रिपोर्टिंग एंड रिमाइंड द द एंटिटी ऑफ टर्म्स सो आपको क्या करना है यहाँ पे रिकरिंग ऑडिट के लिए आप पांच साल के लिए भी एक एंगेजमेंट लेटर साइन कर सकते हो बट आपको रिवाइज करना पड़ेगा कब जब आपका ऑब्जेक्टिव स्कोप चेंज होता है एंगेजमेंट का कुछ फीस वीज रिवाइज होता है मैनेजमेंट चेंज हो जाता है क्योंकि साइन करने वाला बिजनेस चेंज हो गया कोई दूसरा ओनर आ गया कोई शेयर होल्डर्स चेंज हो गए लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो गया कंपनी प्राइवेट से लिस्टेड हो गई लिस्टेड से प्राइवेट हो गई पब्लिक हो गई फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो गया आपका है ना जैसे पार्टनरशिप से आप चले गए एल में तो आपका क्या हो गया एक्ट चेंज हो गया है ना सो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो वो और आपको कीप रिमाइंडिंग भी अपन ने एक है ना एंगेजमेंट लेटर साइन किया था याद है ना मैनेजमेंट उसमें अपन ने क्या बोला था कि आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने है इतना याद दिलाते रहो ठीक है सो दिस इज एक्सेप्टेंस करने के बाद उसके बाद अदर रिक्वायरमेंट्स क्या है जो छोटी मोटी है वो बोलता है एफ आर एफ कॉन्फ्लिक्स विद द लीगल रिक्वायरमेंट जो फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अपन बोल रहे हैं वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है विद रिगार्डिंग डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड एडिशनल रिक्वायर्ड इन एफ एस एल्स क्वालिफाई द रिपोर्ट वो बोलता है सपोज जैसे हम बोलते हैं ना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है एक्स करो और कंपनी लॉ बोलता है वाई करो तो आप किसके हिसाब से करोगे लॉ so, के हिसाब से करोगे सो लॉ के हिसाब से करोगे मैनेजमेंट को बोलेंगे मुझे तो एफ करना है मैंने को तो ए भी फॉलो करना है तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट है तो आप क्या करो डिस्कस मैनेजमेंट के साथ करो कि ये कॉन्फ्लिक्ट है एएस और कंपनीज एक्ट में और मुझे क्या करना है उसका एडिशनल डिस्क्लोजर देना है कि हमने कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऐसा किया है यहाँ पे सबसे सही एग्जांपल क्या आता है सब्सिडरी रिलेशनशिप जैसे ना सब्सिडरी है एसोसिएट uh, है या ज्वाइंट वेंचर है दीज आर वेरी जजमेंटल डिसीजन कंपनी है शेयर होल्डिंग पे जाता है पचास परसेंट से ऊपर है तो आपकी सब्सिडरी है है ना बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली इंडेज में काफी बार वो चेंज होता है इंडियाज में डेफिनेशन शेयर होल्डिंग पे नहीं है पावर पे है कंट्रोल पे कि कौन कंट्रोल कर रहा है एंटिटी को उसके हिसाब से जब आप इंडेस करोगे फाइनल में तब समझेंगे बट देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट है ना तो अब कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या करना है आपको मैनेजमेंट से डिस्कस करो और मैनेजमेंट को क्या बोलो कि भाई मुझे एक एडिशनल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट में कि यहाँ पे इनकसिस्टेंसी है आई वेट है लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ज्यादा तो ऐसा होता ठीक है मैनेजमेंट ने बोला नहीं 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 मैं नहीं करने देने वाला मेरा फाइनेंशियल है मैं आपको कोई डिस्कलोजर नहीं करने वाला मैं कोई डिस्कलोजर नहीं करने वाला तो आपको क्या है सिंपल क्वालिफाई कर दो उसके लिए भी मैनेजमेंट रेडी होना चाहिए ना तो फिर विड्रॉल का ऑप्शन है आपके पास ये हो गया एफ आर एफ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है एफ आर एफ इज अनएक्सेप्टेबल एक्सेप्ट फॉर लीगल है ना सो so जो आपका फिनांशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है अनएक्सेप्टेबल है बट लीगल रिक्वायरमेंट है इसलिए आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ रहा है तो आप क्या करोगे डिस्कलोज इन एफ एस डिस्कलोजर तो दोनों जगह करना है फिनेंशियल स्टेटमेंट में और यहाँ पे आप है ना इन्फोसिस मैटर डालूंगे है ना ये इन्फोसिस ऑफ मैटर ये क्या रहता है emphasis of matter आप हम ये एस ए सेवन जीरो सेवन जीरो जीरो की जो सीरीज सात सौ की सीरीज उसमें हम एक मैटर। मैटर एक अभी के के एक, एक, के के लिए 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 कि कि देने रहता 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 है 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 वो वो नहीं सिर्फ मैंने ऐसा किया है अनएक्सेप्टेबल था ए पे बट लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा है ना डोंट यूज द वर्ड ट्रू एंड फेयर हम वहां पे ट्रू एंड फेयर भी नहीं बोलते हैं हम क्यों क्योंकि मुझे वो जो फिनांशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मैंने यूज की है वो मुझे अनएक्सेप्टेबल है मुझे वो मुझे आई शुड नॉट साइन दैट फिनांशियल अकॉर्डिंगली सपोज जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि जैसे एक्चुअल वैल्यूएशन है सपोज और वो मुझे करना जरूरी है किसका कौन बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है ए एस फिफ्टीन बोलता है ना और लीगल रिक्वायरमेंट है सपोज वो कंपनी का या ट्रस्ट का सपोज आप ट्रस्ट का ऑडिट कर रहे हो है ना वो ट्रस्ट का लीगल रिक्वायरमेंट में क्या बोल रहा है ना जो आपकी लाइबिलिटी है ग्रेचुअी की वो आप ना एक्चुअल पे ही दिखाओ आई एम जस्ट गिविंग यू एक्साम्पल वो एक्चुअल पे दिखाओ आपको है ना कुछ डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं कोई एक्चुअल वेल्युएशन करने की जरूरत नहीं अभी इज इज इट एक्सेप्टेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नो है ना फिनेंशियल रिपोर्टिंग इज नहीं बट लीगल क्योंकि ट्रस्ट एक्ट बोल रहा है बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट उसमें उसके हिसाब से वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है तो यहाँ पे ना मैनेजमेंट आपको कुछ रिस्ट्रिक्ट कर रहा है ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या अनएक्सेप्टेबल है ये तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल है सो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड इज यहाँ पे तो है ना कॉन्फ्लिक्ट है कि भाई दोनों में बोल रहा है अलग है बोलते दोनों भी है पर थोड़ा अलग है यहाँ पे तो अनएक्सेप्टेबल है करना ही नहीं है वो बोल रहा है तो वहां पे क्या करना है आपको फिनांशियल में डिस्कलोजर करना है और एंफोसिस मैटर डालना है और ट्रू फेयर नहीं बोलना है क्योंकि ट्रू फेयर आप कब बोलोगे जब आपका है ना एक्चुअल वैल्यूएशन हो रहा है नंबर सब सही जा रहा है तब यहाँ पे वो बोलता है ट्रू फेयर मत बोलो है ना आप जस्ट बोलो कि हमने काम किया एक्सेप्ट और या आप ट्रू फेयर बोल रहे हो तो बोलो कि एक्सेप्ट बिकॉज ऑफ दिस मैटर प्रिस्क्राइब बट वो हम एक्सेप्ट कब कर सकते हैं जब क्वालिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्वालिफाई भी नहीं कर रहे हैं। तो यू शुड नॉट से ट्रू एंड फेयर सो दिस इज वॉट अ रिक्वायरमेंट जब एक्सेप्टेबल नहीं है एंड लास्ट इज ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय लॉ चेक वेदर रिपोर्ट वुड बी मिसलीडिंग इफ सो डोंट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट एंड इफ एक्सेप्टेड डोंट रेफर डोन्ट सो वो बोल रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट जो फॉर्मेट है तो हम किसका फॉर्मेट रेफर करते हैं ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट रेफर भी रहा तो हम ऐसे फॉलो करते हैं और ऐसे के हिसाब से देते हैं मैनेजमेंट बोलता है कि नहीं नहीं ऐसे के हिसाब से नहीं चलेगा मुझे ना इतना ही ऑडिट रिपोर्ट चाहिए बस ये चार लाइन ही चाहिए ऐसे या एस के हिसाब से देते हैं है ना तो आप एक्सेप्ट मत करो ये मिसलीडिंग हो सपोज जो भी मैनेजमेंट हाँ एक हद वर्ड चेंज है या ऊपर नीचे है एक्ट के हिसाब से है तो चलता है बट वो मिसलीडिंग कर रहा है क्या यस देन डोंट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट डे मत एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट किया है तो रेफर डोंट रेफर ने कंप्लायंस किया है है ना सो दिस इज व्हाट एंगेजमेंट लेटर ये सब आपको टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर के टाइम पे ही करना है और मैनेजमेंट से एग्री करना है कि भाई आपका ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो मुझे ये करना पड़ेगा इसमें ये करना पड़ेगा इसमें ये करना पड़ेगा, पड़ेगा। तभी आप साइन करो ठीक है ना सो देर आर प्री कंडीशन फॉर ऑडिट जब आप टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऐसे टू हंड्रेड कर रहे हो कि मैनेजमेंट को एफ आर एफ एक्सेप्टेबल है और आपका जो प्रीमाइ है ऑडिट करने का जैसे आप स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग फॉलो करोगे करोगे वो एक्सेप्टेंस है फिर आप जब ऑडिटर को क्या इंश्योर करना है आपको एक्सेप्टेंस के पहले भी एफ आर एफ एक्सेप्टिलिटी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देर इज नो लिमिटेशन आपको सब एक्सेस मिल रहा है इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स का वो आपको इंश्योर करना है फिर अन एक्सेप्टेंस आपको तीन चीजें ड्राफ्ट एंड एंगेजमेंट लेटर उसमें आपको लॉ से है कि नॉट लॉ से है फिर चेंज इन टर्म्स होगा तो रीजनेबल है तो रिजेक्ट इट एंड रिकरिंग ऑडिट के लिए है, तो आपको करना पड़ेगा वो कॉन्फ्लिक कर रहा है लीगल रिक्वायरमेंट के साथ फिनेंशियल रिपोर्टिंग ये अनएक्सेप्टेबल है एक्सेप्ट बिकॉज ऑफ लीगल एंड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेंट इज प्रिस्क्राइब सो ये कौन है आपका एस से दो सौ दस यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है आपका चैप्टर वन फिनिश होता है कोई क्वेश्चन है आपको चैप्टर वन पे नो सर नो क्वेश्चन समझ में आया आई होप सबको समझ में आ रहा है वो और एस क्यू वन और एसए ए टू वन जीरो एस टू वन जीरो इज शॉर्ट छोटा छोटा ही स्टैंडर्ड है uh, तो और आप लोग रिवाइज करो कीप रिवाइजिंग जब हम पढ़ रहे हैं ना जस्ट एक बार मॉड्यूल से गो थ्रू करो Uh, तो आई एम श्योर की मॉड्यूल से सब चीजें कवर हो रही है आपको कुछ और एडिशनल एक्सप्लेन कुछ पैरा नहीं समझ में आ रहा है कुछ इश्यूज हो रहा है तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस तो हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं अभी चैप्टर वन के जो मॉड्यूल के है ठीक है ना सो फर्स्ट क्या है स्टेट विद द रीजन सो आपको जैसे मैंने बोला थर्टी तो मार्क्स का आपको एमसीक्यू रहता है राइट right? एमसीक्यूज रहते हैं फोर्टीन मार्क्स के आपको करेक्ट इनकरेक्ट रहते हैं एंड बैलेंसिंग आपको डिस्क्रिप्टिव तो यहाँ पे मॉड्यूल में MCQs तो अलग से बुकलेट है आपका वो भी हम देखेंगे बट आपको इनकरेक्ट करेक्ट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है में। भी भी है। है? So अपना एक compiler है, questions का, ठीक तो चलो करेक्ट इन करेक्ट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ड नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर साइज और फॉर्म ऑफ क्वांटिटी वट डू यू थिंक करेक्ट ऑडिट yes, तो ऑडिट तो yeah. है ना so, का yes, हमने क्या देखा था इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन और... right. so, करते हम द ऑडिट सो बहुत ये क्वेश्चन आए हुए हैं uh, क्योंकि काफी बार वो हो जाता है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डॉन्ट चेंज रेफरेंस तो आप बोलोगे पहला चैप्टर देख रहे हैं ना इसलिए आपको कंफ्यूजन कम है जब आप आगे जाओगे तब वो क्या बोलता है? Nature, timing and extent. वो क्या क्या ऑफ ऑडिट प्रोसीजर चेंज हो जाती है जैसे साइज होगा बट वो किसकी है ऑडिट प्रोसीजर की यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट है ना सो दैट थीन लाइन डिफरेंस क्रिएट कंफ्यूजन जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लेते हो तब ये कंफ्यूजन होता है मैंने देखा है सो so यहाँ पे वो बोल रहा है कि बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिट का वो चेंज नहीं होता है ये ऑडिट तो ऑडिट ही रहने वाला है कोई भी एंटिटी हो ट्रस्ट हो प्राइवेट लिमिटेड हो फर्म हो उसका जो भी ऑडिट का है वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है उसमें ऑब्जेक्टिव कोई चेंज नहीं होने वाला है और ऐसे टू हंड्रेड के हिसाब से जो हमने ऑब्जेक्टिव देखा वो भी कोई चेंज नहीं होने वाला है वहाँ पे एंटिटी स्पेसिफिक कहीं भी नहीं लिखा है एंटिटी स्पेसिफिक सब आपके चैप्टर दो तीन के बाद चालू होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज करेक्ट सिग्री ऑफ कॉन्फिड इन दफेस पर्पज ऑन ऑडिट इज टू एनहस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस करेक्ट और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि फॉलोइंग इन शॉर्ट उसके रीजन भी देने अपने को सो लॉर्ड ऑफ फेम यू हैव द आंसर But you cannot write कि ना? So, वो भी रिपोर्ट करना है और इन्श्योर करना है सॉरी right? so, जब फॉल्स हो तभी रीजन देना, है ना? तभी देना है ना? नहीं रीजन शुड बी ऑलवेज करेक्ट हो या इन करेक्ट

टू तो जीरो तो तो सीधा उन्होंने जो स्टेटमेंट है वो ही दिया है यहाँ पे आया तो आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे आया तो आपको सिर्फ दो चार लाइन एडिशनल ऐड करनी है भी जो ऐसे है वो बोल रहा है कि देर इज एनर लिमिटेशन टू ऑडिट और उसमें ऑडिटर कैनोट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आपका ऑडिटर जो देता है जो रिपोर्ट करता है वो रीजनेबल इट इज नॉट हंड्रेड परसेंट करेक्ट एंड ट्रू एंड गया आपका तीसरा चौथा ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंड बाई क्लाइंट टू ऑडिटर विंक करेक्ट इन करेक्ट इन करेक्ट बिकॉज क्लाइंट ऑडिटर सेंडेड टू क्लाइंट ना हाँ पहले आप क्या बोल रहे हैं कि एग्री करो फिर ऑन uh, ये फिर ड्राफ्ट लेटर बोलो तो ये सब में यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा अपन ने डिस्कस नहीं किया बट इट इज लॉजिकल इट इज बाय द बाई दिखाईन क्या हो जाता है अपने को वो फॉर्मेट देख के आपको नहीं ध्यान में आ रहा है तो वो फॉर्मेट में इफ यू सी पहले कौन साइन कर रहा है ऑडिटर और फिर वहां पे हमने देखा नीचे रिमेम्बर यहाँ पे हमने क्या बोला पहले ऑडिटर का साइन आ गया फॉर्म का और उसके बाद क्या कर रहा है क्लाइंट एक्नोलेज ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी एक्नोलेज कौन करता है जो बनाता नहीं है वो एक्नोलेज करता है सो so, हमने बनाया तो सामने वाले ने किया ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑडिट द स्पेसिफिक डिस्कलोजर सो दिस इज इनकरेक्ट स्पेसिफिक डिस्कलोजर इज रिक्वायर्ड ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्शन फॉलोड इन दिन स्टेटमेंट इज करेक्ट ये आपका इससे लेना देना नहीं है डायरेक्टली यह आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है कौन कौन तेरे गोइंग कंसर्न याद है ये सब वो स्पेसिफिक डिस्कलोजर रिक्वायर्ड है क्या ए एस वन के हिसाब से It is presumed, आपको वर्ड याद हो तो दिस जब आप बना रहे हो तो ऑडिटर को बोलना है so, you have to keep in mind, का fundamental, ये क्या है अपने फंडामेंटल अकाउंटिंग है है तो ये assumption ही है ना सी अंडरस्टैंड वर्ड क्या बोलते हैं तो हम जब फिनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तब ये अज्यूम कर रहे हैं कि अक्रूवल बेसिस पे ही है ये गोइंग कंसर्न पे ही है और नहीं है तो आपको डिस्कलोजर देना है कि भाई मेरा जो फिनाशियल स्टेटमेंट है ये कहा जाए सो so, सो मेरा जो कैश बेसिस so, जैसे सपोज इनकम टैक्स अलाउज ऑन अ कैश बेसिस राइट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है आपका अक्रूवल बेसिस पे ही होना चाहिए अब यह क्या हो गया अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाले सेक्शन में का, क्या हो गया वो इफ यू रिसीव फर्स्ट वाले में एफ आर एफ इज कॉन्ट्राडिक्टिंग विद द लॉ लॉ बोलता है कैश बेसिस एफ आर एफ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आते हैं वो बोलते हैं अक्रूवल बेसिस तो आपको क्या करना है इस केस में डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड डिस्कलोजर इन फिनेंशियल मैनेजमेंट नहीं सुनता है तो आप क्या करोगे क्वालिफाई करोगे तो जनरली जब भी कैश बेसिस पे फिनेंशियल बनते हैं आप देखोगे वहां पे नोट रहती है कि फिनेंशियल अ कैश बेसिस तो आप, तो आप बताओगे की नहीं बने हुए ठीक है सो दिस इज इन करेक्ट समझ में आया ना ये क्वेश्चन अकाउंट्स में भी आ सकते हैं आपको है। shares में आप डील कर रहे हो आप गया आपका सेल्फ इंटरेस्ट भी आ गया और एडवोकेसी थ्रेड भी आ गया है ना सो यहाँ पे लैक ऑफ इंडिपेंडेंस आ गया थ्रेड टू इंडिपेंडेंस है कौन कौन से थ्रेट है सेल्फ इंटरेस्ट आ गया आपका कि आपने शेयर्स लिए और एडुक्रेसी भी आ गया क्योंकि आप शेयर्स लेके प्रमोट कर रहे हो कि कंपनी अच्छी है है ना सो दैट्स व्हाई देयर इज अ थ्रेट दिस इज अकॉर्डिंग टू योर एक्सक्यूसिव अभी आप तो पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तब आपका कंपनी लॉ भी आ जाएगा तो आंसर किस वे देना है क्वेश्चन तो आंसर पेपर में क्वेश्चन ना स्पेसिफिक चैप्टर वाइज आने वाला है तो ये जब क्वेश्चन आता है आपको लैक ऑन इंडिपेंडेंस यहाँ पे इंडिपेंडेंस का बोल रहा है तो इट इज मोर रिलेवेंट एज पर एक्सक्यूसिव वन या अपना इंडिपेंडेंस थ्रेट्स टू बट सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपको है आंसर डालना तो यू कैन ऑलवेज एक्ट में भी कि भी नहीं अलाउ करते तो डिस्क्वालीफाइड है आपको ऑडिटर करके सो आंसर इज करेक्ट एंड देन ये और लैक इंडिपेंडेंस हाँ यहाँ पे आप कंफ्यूजन कर दोगे एक क्या कंफ्यूजन कर दोगे यहाँ पे वो लैक ऑफ independence आप बोलेंगे डिस्क्वालीफाइड है ये यहाँ पे कहीं भी सेकेंड यहाँ पे कंपनी दिया ही नहीं है उन्होंने कॉर्पोरेट दिया है क्या कि एक प्राइवेट लिमिटेड है और ये ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑडिट में जो कंफ्यूजन होता है जब पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं ठीक है ना सो यहाँ पे कहीं भी नहीं बोला है कि भी कौन सा शेयर्स आप बोलोगे शेयर्स बोले तो कंपनी का ही रहेगा ना और किसका रहेगा हज्यूम बट यहाँ पे वो लैक ऑफ इंडिपेंडेंस बोल रहा है और आप क्या बोलोगे इसको इनकरेक्ट बोल दोगे कि लैक ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं डिस्कालीफाइड हो जाएगा बट दैट मीन्स लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ना ठीक है सो कीप दिस माइंड एंड लगता है तो उसमें आपके मॉड्यूल में लिखते जाओ या ये कंफ्यूजन ध्यान में रखना है आपको है ना नेक्स्ट वन द ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन शुड ऑर्जनली बी रिटेन बाय ऑडिटर फॉर मिनिमम सिक्स इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट और द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच लेटर सो so, पे वो रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंटेश बोलता है जो आपके डॉक्यूमेंटेशन है ऑडिटर के ये पीछे आगे आपके सिलेबस में कवर्ड हुआ है यहाँ पे नहीं है स्पेसिफिकली तो ऑडिटर के जो डॉक्यूमेंटेशन हम रखते हैं ना पूरा वो आपको कितने साल तक रखना है इसका गाइडेंस नोट दिया हुआ है ये एसक्यूसी वन में है आपके प्लस आपका जो आगे चैप्टर है डॉक्यूमेंटेशन में उसमें स्पेसिफिकली है तो वहां पे हम कवर करेंगे इसलिए हमने यहाँ पे कवर नहीं किया बट दैट आंसर इज इनकरेक्ट क्योंकि सात साल है वहां पे जो रिटेंशन पीरियड है दैट इज सेवन इयर्स सो जो हम डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं वो कितने दिनों में अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना चाहिए ऑडिट साइनिंग के बाद वो भी दिया हुआ है एंड इसका मीनिंग क्या है रिटेंशन करना है, बोले तो मैं ऑडिट होने के बाद सो जैसे आपने ऑडिट किया और आपने सपोज आज साइन किया सत्ताइस दिसंबर को तो सत्ताईस दिसंबर को मैंने कोई रिपोर्ट साइन की तो मैं कितने साल तक उसका डॉक्यूमेंटेशन मैंने रिटेन करना चाहिए क्यों क्योंकि कल प्लर रिव्यू होता है क्वालिटी रिव्यू होता है नाफरा के पास भी अभी, अभी अथॉरिटीज है नाफरा का रिव्यू होता है या कोई कोर्ट केस होता है फ्रॉड होता है कुछ भी होता है तो मैं कितने साल तक उसको रखना है ठीक है दिस इज वॉट द रिक्वायरमेंट तो सिक्स ईयर्स नहीं है सेवन है इसलिए इनकरेक्ट है.

करेट इन करेक्ट नेक्स्ट थेल क्वेश्चन में एक्सप्लेन क्लियरली मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग ऑडिट का मीनिंग बोलो ये सिंपल है हाउ वुड यू एज एन ऑडिटर परफॉर्म दो ये तो पूरा पूरा जो आप सीखोगे ऑडिट में वो सब है आ जाएगा इसमें है ना तो जितना लिखे उतना कम है बट यहाँ पे अपने को क्या लिखना है पहले तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है मीनिंग ऑफ ऑडिट ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी टू एक्सप्रेस एंड रिजनेबल एश्योरेंस और टू एश्योरेंस है ना ओपिनियन बेसिकली ट्रू एंड फेयर है ना हाउ यू डू एज एन ऑडिट हाउ वुड यू एज एन ऑडिटर परफॉर्म द हम जो जो जैसे हमने फर्स्ट देखा था कि आप देखोंगे कि आप हो रहा है या नहीं हो रहा है 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 ना फिर बेसिक जो है, जो अकाउंटिंग एंट्रीज़ वो कई सही रेवेन्यू कैपिटल सही किया हुआ है सो आर द बेसिक पॉइंट कभी बेसिकली पूछ रहे हैं या आप ऑडिट का जो भी बोलोगे इसमें लिख सकते हो क्योंकि वो जेनरिक क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ एन एंटिटीज फाइनेंशियल इज वाइटल सर्विस टू इन्वेस्टर्स trade payables and other participants in economic exchange explain so yaha pe wo bol raha hai ki aapka jo independent of audit hai jo entity ka jaise pehla question dikha tha ki ye confidence build karta hai ye wala confidence to intended user Similar line पे ये question है कि भी independent audit किया है तो is a vital service explain करो कि vital क्यों है है ना so आप कहा जाओगे इसके answer के लिए If you see अपना बुक हैं अपना हमने इंटेंडेंट यूजर के लिए पॉइंटर में लिखना है तो यू कैन राइट डाउन कि भी जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग है एक तो ये डाल सकते हो एडवांटेजेस डाल सकते हो कि भी ऑडिट के क्या एडवांटेजेस सेफ गार्ड द इंटरेस्ट मॉरल चेक

आपको उसमें जो इंपॉर्टेंट है उससे फाइनली आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि वाइटल है ये ऑडिटर है है ना सर्विस ये हमने अभी देखे कि क्या ऑडिटर के जो चार हमने देखे रिपोर्ट करना है और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोड ऑफ इथिक्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट प्रिपेर बाय द आइडेंटिफाइज फाइव टाइप्स ऑफ थ्रेड है ना हमने फाइव पाइप ऑफ थ्रेड देखे थे दे. कौन कौन से थे फर्स्ट सेल्फ इंटरेस्ट नेक्स्ट सेल्फ रिव्यू नेक्स्ट एडवोकेसी नेक्स्ट familiarity, एंड लास्ट इंटिमिडेशन है ना सो so ये क्या है आपके पांच टाइप के थ्रेड से और इसको आपको दो दो लाइन में क्योंकि आपको मैक्सिमम कितने मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है आपको कितने मार्क के लिए आएगा तीन या चार उसके ऊपर नहीं तो ये पांच पॉइंट लिख दिए ऐसे ही आपके डेढ़ दो मार्क हो गए और आप इसको हर एक लाइन को एक के सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है और एक एग्जाम्पल सेल्फ इंटरेस्ट आपने लोन दिया या लोन लिया सेल्फ रिव्यू आप अकाउंटिंग कर रहे हो और आप ही रिव्यू कर रहे हो या ऑडिट कर रहे हो एडवोकेसी आप लिटिगेशन लड़ रहे हो कंपनी का और आप ऑडिट कर रहे हो फेमिलरिटी आपका लॉन्ग एसोसिएशन है

सो so, हो जाता है आपका ठीक so, है नेक्स्ट क्वेश्चन देर आर प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन ऑन द द एबिलिटी ऑडिट एक्सप्लेन विद सो प्रैक्टिकल एंड लीगल है है ये क्या है? हमने देखा था नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में तीन चीज देखी थी ये कहा आया कौन से सेक्शन में आया इनहेरेंट लिमिटेशन में हमने ये क्वेश्चन देखा था उसमें क्या देखा था देर आर नेचर ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग दूसरा क्या था नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स

स्टूडेंट इज फेसिंग चैलेंज कि जब आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं ना उनको वो ध्यान में नहीं आ रहा है कि कहा से मुझे वो क्वेश्चन लिखना है या कहा मेरे सिलेबस में वो है ना क्योंकि तो का काफी डायरेक्ट बार मुझे क्वेश्चन रहता है सिलेबस से ही पूछते हैं सिर्फ वो क्या चेंज करते हैं थोड़ा सा आपका वर्ड चेंज कर देते ठीक है सो so, कहा गया वी आर जस्ट फिनिशिंग लास्ट टू क्वेश्चन क्वालिटीज के बाद आपका इनर नहीं क्वालिटीज के पहले सात नंबर के पहले सो सेटिंग प्रोसेस प्रोसेस सेटिंग के पहले डिसिप्लिन डिसिप्लिन के पहले आपका आया इनहेरेंट लिमिटेशन और ये देखो अदर मैटर्स दैट अफेक्ट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट सर्टन असन और सब्जेक्ट मैटर्स और पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट सच असर्स और सब्जेक्ट मैटर्स इंक्लूड तो ये जो वर्ड है वो हम हम क्या पढ़ रहे हैं उसको इनहेरेंट लिमिटेशन में अब इनहेरेंट लिमिटेशन का पूरा टॉपिक तो तीन चार मार्क के लिए नहीं पूछ सकते वो कुछ तो उसमें का एक पूछ रहे हैं तो पहले सेकेंड क्वेश्चन पे पूछ लिया नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे अभी क्या पूछ लिया ये चौथे पॉइंट पे है ना सो फोर्थ पॉइंट जो है अपना उस पर क्वेश्चन आया इनहेरेंट लिमिटेशन में हमने जो देखा उसमें जो फोर्थ पॉइंट है अदर मैटर्स करके हम क्या और नोट्स में आप देखोगे जनरली क्या लिखते हैं so जैसे फ्रॉड बाय सीनियर मैनेजमेंट कंप्लीटनेस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड कंटिन्यूसुड आप एग्जाम के बाद आओगे अरे ये तो पता था मुझे बट ये तो मुझे ऐसा पता था कि है ठीक है सो दिस इज वॉट क्वेश्चन इज अदर मैटर और ये अपना आंसर है समझ में आ रहा है ये इस तरह आपको ऑडिट को सिर्फ पढ़ना पड़ेगा इस तरह आपको ऑडिट की चीजें म्हणजे डोंट गो विद द सब मेन टॉपिक तो उसका नीचे का जो सब हेडिंग है उसको भी पढ़ो इन क्वेश्चंस जितने हम इसलिए क्लास में क्वेश्चंस चालू करने का रीजन ही है कि वी कैन सी कि इस तरह भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं छोटे से टॉपिक पे और उसका मीनिंग क्या है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एस्पर 220, ये uh, ये जान मुझ के गया कि आपको समझ में आया क्या बोल रो लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन एज पर टू ट्वेंटी क्वालिटी कंट्रोल फॉर ऑडिट ऑफ द ऑडिटर शुड ऑप्टेन इन्फॉर्मेशन कंसिडर द सर्कमस्सेस बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट अ न्यू क्लाइंट वेन डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू एन एक्सिस्टिंग एगेजमेंट एंड वेन कंसिडरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट विद एक्टिंग क्लाइंट एक्सप्लेन सो यहाँ पे कहीं भी उन्होंने ये नहीं बोला है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस

ये कंडीशन देखी थी हमने राइट right? चार थी उसमें, इंटीग्रिटी uh, हो गया ये हो गया, engagement team जो है वो ethical requirement कर रहा है, राइट एंड लास्ट मैटर्स ऑफ प्रीवियस ईयर है ना वगैरह है कुछ प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के तो वो आपने कंसिडर किए बिफोर कंटिन्यूंग ये आपको ध्यान में रखना है तो यहाँ पे भी अगेन क्वेश्चन आप देखोगे सो काफी बार सो इजी पेपर जब आएगा जब पूरा वर्ड यहाँ पे वही लिखते हैं इतना क्वेश्चन पूछते हैं कि वन या ऐसे के के हिसाब से एक्सेप्ट एंड क्या है और व्हाट शुड बी द दंसिडरेशन तो आप इजीली लिख पाओगे लास्ट क्वेश्चन ऑडिटर हु बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट रिक्वेस्टेड टू चेंज द एंगेजमेंट टू वन विच लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस शुड कंसडर अप्रोप्रेटनेस ऑफ डूइंग तो यहाँ पे क्या हुआ चेंज इन टर्म्स चेंज इन टर्म्स का आपको बोलना है देर आर वन टू थ्री सरकम स्टेंसेस राइट रिस्ट्रिक्शन है ना या कुछ कन्फ्यूजन है मैनेजमेंट का और आपका तो अब आप चेंज करना ये ऐसे टू वन जीरो बोलता है बट ये आपको दो इसमें होना है कि रीजनेबल है तो एक्सेप्ट करो नया रिकॉर्ड करो नॉट रीजनेबल है तो मत करो एंड विदड्रॉ करो नॉट रीजनेबल है बोले तो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस इज ऑल्सो नॉट रीजनेबल सो यू शुड विद्रॉ अभी आप बोलोगे तीन मार्क के लिए क्वेश्चन है तो ये आपको सब डिस्कस बोला है उसने अंडरस्टैंड एक्सप्लेन बोला तो एक्सप्लेन दैट डिस्कस बोला तो आपको सब बोलना पड़ेगा है ना कि भाई किन जीरो बोलता है कि चेंज इन टर्म्स रहा तो यह तीन कंडीशन की वजह से होगा और ये तीन कंडीशन हुआ तो आप रीजनेबल हो तो आप एक्सेप्ट करो और रिकॉर्ड करो नॉट एक्सेप्ट करो जब आप लोअर लेवल एश्योरेंस है या आपको कोई सर्कमस्टेंसेज ऐसे अच्छे नहीं दिखते जहाँ पे चेंज करना चाहिए और एक तो आप क्या करो डिनाई और विद्रो दिस इज वॉट एट नंबर क्वेश्चन So, ये हो गया अपना चैप्टर वन के क्वेश्चन कंपाइलर के क्वेश्चन और जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चन है काफी इसमें कवर होते हैं वी विल डिस्कस वीकली टूमारो एंड वी विल स्टार्ट विद चैप्टर टू टूमारो ठीक है कोई क्वेश्चन है आप लोगों को